कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को देखते हुए दुनिया पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। कई देशों ने यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ही अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा था, लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट यानी कि ओमिक्रॉन को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला अफ्रीका में पाया गया था, जिसके बाद से सभी देश सतर्क हो चुके हैं। वहीं WHO ने भी उपलब्ध डेटा के आधार पर लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। खबरों की माने तो इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है, खास तौर से इसके स्पाइक प्रोटीन में, और इसीलिए WHO सभी से दोनों वैक्सीन की डोज लेने की भी अपील कर रहा है। अंबेडकर नगर में सड़क पर शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। वहीं पुलिस ने मामले में युवक की हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि युवक का शव आलापुर तहसील क्षेत्र के इमादपुर गांव में पड़ा मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अंबेडकर नगर का पूरा मामला है, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से युवक का शव मिलने के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। फिरोजाबाद में मोबाइल चोरी कर भाग रहे चोर को मौके पर मौजूद एक युवक ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। वहीं घटना को देख मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं फिरोजाबाद की, किस तरह पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया है। दरअसल चोर जो है चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, लेकिन वहां पर लोगों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद सरयाम बीच बाजार में चोर की जमकर पिटाई की गई। अभी ये पत्तापुर चौराहे पे कुछ काम अपने निजी काम के लिए जा रहा था, सर जब मैं ऑटो से उतरा तो इस युवक ने मेरा फोन निकाल लिया मेरी जेब से। उसके बाद मैंने उसका पीछा किया तो ये मुझे पत्तापुर चौराहे नारायण होटल पे पकड़ा। गाजियाबाद के इंद्रापुरम स्थित एक्सोटिका ईस्ट स्क्वायर सोसाइटी में एक फ्लैट में अचानक से आग लग जाने से हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल आग के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। तो गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से फ्लैट में आग लग गई है। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पर आप देख सकते हैं फ्लैट में आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई भी जानकारी नहीं है। राहत वाली बात यही है कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आग किस वजह से लगी अभी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि आग कितनी भीषण थी ये तस्वीरों के जरिए ही पता चल रहा है। मौके पर जब सूचना आग की दमकल विभाग को दी गई तो दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँची। तो चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें लखनऊ में ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी हां, लखनऊ में ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और ऐसे में विदेशों से आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच हो रही है। लगातार आपको बता दें कि यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है और थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगा दी गई हैं। आपको लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट पर यह सतर्कता बढ़ाई गई है। सभी विदेशों से आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच हो रही है। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर
यूपी सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बैठक कर रहे हैं, गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ चुका है उसको देखते हुए भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट है। और इसीलिए लगातार चाहे यूपी सरकार हो या अन्य राज्यों की सरकारें हो, वो सभी अपने अपने स्तर पर काम करना शुरू कर चुकी हैं। और इसीलिए लगातार यूपी में भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ एयरपोर्ट पर ये सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगा दी गई हैं। ओमिक्रॉन को लेकर एयरपोर्ट पर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, ओमिक्रॉन को लेकर जिस तरह से लखनऊ एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, आरटीपीसीआर सभी विदेशी यात्रियों का कराया जाएगा, और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए कोमल, जिस तरह से बता दें कि एयरपोर्ट पर हाले की सतर्कता बढ़ा दी गई है और जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण की बैठक की थी। सावधानी बरतते हुए निर्देश दिए थे, यात्रियों को धर्म स्कैनिंग की यात्रियों का सामान सैनिटाइजर से करवाया जाएगा, ये कहा गया था। जी गंदी कुमार, चलिए ठीक है रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में लखनऊ से ये आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पर ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और ज्यादा बढ़ा दी गई है। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है, यानी विदेशों से जो यात्री अब लखनऊ पहुंचेंगे एयरपोर्ट पर पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें उनके घर जाने की अनुमति दी जाएगी। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें एक की मौत भी हो गई है। वहीं तीन लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सात दबंग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सहारनपुर के थाना नानौता पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में सीमेंट व्यापारी आशीष को गोली मारने वाले सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अभियुक्त अभी भी फरार हैं। आपको बता दें, थाना नानौता पहुंचे एसपी देहात अतुल शर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आपसी तनातनी और कहासुनी के चलते अभियुक्तों की तरफ से घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असलाह सहित मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन के साथ कई सामान भी बरामद किए गए हैं, जिसमें कि देवबंद रोड पर कुछ लड़कों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, जिसका कि नाम आशीष था। उसके संबंध में जो है यहाँ पर एक मुकदमा अभियोग पंजीकृत हुआ था, और उसी में यहाँ के थानाध्यक्ष थाना नानौता की और हमारी एसओजी टीम जो है वो इनकी तलाश में लगी हुई थी। कल जो है इसमें हम लोगों ने पुलिस लोगों के साथ मुठभेड़ हो गई, और मुठभेड़ में हम लोगों ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि इस घटना में इन्वॉल्व थे। इसमें जो इनका मेन जो रंजिश है वो आपस में टशन की रंजिश है इनकी, ये लोग ग्रुपबाजी करते हैं, लड़ाई करते हैं, और उसी लिए ये लोग इसको जो है बाबा आशीष और बाबा ठाकुर जो है इसको गोली मारी थी। गुजरात के राजकोट में कस्टर्न विश्वविद्यालय पुलिस की एक टीम ने राजकोट शहर में कई जगहों से रिक्शा चोरी करने और इंजन और चेसिस नंबर को बदलकर बेचने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दो महीने पहले टिटोदिया क्वार्टर से एक रिक्शा चोरी हो गया था और उस पर एक स्क्रैप रिक्शा की नंबर प्लेट भी लगी थी। इसी तरह एक महीने पहले साधु वासवानी रोड से भी एक रिक्शा चोरी हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद अब पुलिस को सफलता मिली है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन विस्तार में छेल्ला दिवसों में बे रिक्शा चोरी थई एवं जाण थयेली, डिस्टाफ की टीमें तेमां मेहनत करी अने चार किस्मों सुधी पहुँचेला है, जेमने प्रॉपरली इंटरोगेट करता तेमने हाल में छ रिक्शाओ साथ तेनी चेसिस नंबर चेन्ज करी अने जूना जे भंगारनी रिक्शा गई होय जेनो नाश थई गयो होय तेनी आरसी बुक में जे नंबर होय तेनी नंबर प्लेट लगावीने रिक्शा वेचाण करी अने मार्केट में ए लोको यूज करता हता। तो तेमा कुल चार आरोपी पकड़्या छे।
गुजरात चिकित्सा शिक्षक संघ और गुजरात इन सर्वे डॉक्टर एसोसिएशन डॉक्टर्स की तरफ से पूरे राज्य में आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिसके चलते राजकोट पीडीयू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। इससे ओपीडी में रहने वाले मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि राजकोट मेडिकल कॉलेज के 180 चिकित्सा शिक्षकों के कुल 330 डॉक्टर और राजकोट जिले के 150 सरकारी डॉक्टर भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। वहीं हमीरपुर में पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने साइकिल से गश्त करने के दौरान लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनी, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बेतवा तटबंध पर पीने के पानी की व्यवस्था के लिए नगरपालिका को निर्देश दिए। वहीं पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने बेतवा तटबंध की साफ सफाई और सौंदर्यकरण के लिए भी निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।